मॉडल पेपर के एमसीक्यूज देखे चैप्टर 15 के पहले पेज पे ये सारे मेरे ख्याल में। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर द शंट रेजिस्टेंस शुड बी, रेंज बढ़ानी है तो शंट रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ताकि उसमें से ज़्यादा करंट गुजरे, ठीक है, डिक्रीज। द वर्किंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंड्स अपॉन डैश इफेक्ट ऑफ करंट, तमाम जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं मेजरमेंट वाले वो किस पर डिपेंड करते हैं, मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट पे, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट पे या इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होता है फ्लक्स चेंज होने से। 1-6 फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर शुड बी, एम मीटर रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए अभी हमने देख लिया, क्या होनी चाहिए, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो मेरे ख्याल यही है इसके, हाँ बस यही है, ठीक है।